सर बताइए। मैं श्यामला लंगर, कन्वीनियर इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेल, भारतीय जनता पार्टी एंड प्रेसिडेंट अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि सभा ऑल इंडिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक ही मकसद है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनका थैंक्स करना कि काफ़ी समय से हमारी मांग जो थी वो लंबित थी, पेंडिंग थी। हमने अमित शाह जी से, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो महाजन, खत्री और सरदार कम्युनिटी जो है, इनको एग्रीकल्चर लैंड जो है ये सेल परचेज नहीं कर सकते थे। तो हमने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट डाली थी अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने हमारी जो डिमांड थी, जो हमारी रिक्वेस्ट थी, उसको ऑनर किया और कल उन्होंने हमें ये ऑर्डर दे दिया भाई, इसमें महाजन, खत्री और भी इसके साथ जो लोग लंबित थे एग्रीकल्चर लैंड लेने को, सभी को अप्रूव किया है। हर आदमी लैंड ले सकता है, लैंड सेल कर सकता है, लैंड परचेज कर सकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेल का कन्वीनर होते हुए, मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी समस्त महाजन बिरादरी को कि जो आपकी लंबित मांग थी वो हमारे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब, इन्होंने अप्रूव किया है। मैं समस्त महाजन बिरादरी की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी साहब का और अमित शाह जी का पुरजोर हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने हमारी डिमांड को पूरा किया। ऐसा नहीं है कोई भी डिमांड हो, भारतीय जनता पार्टी हर डिमांड को पूरा करती है। टाइम लगता है मगर अनदेखा नहीं किया जाता है। कोई भी चीज़ जो है, जनता की डिमांड जो है वो, उसको हमारी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, हर डिमांड को पूरा करती है। कहीं भी किसी को निराशा हाथ नहीं लगती है कि हमारी पार्टी ने कोई भी डिमांड पूरी नहीं की। हमने इसके साथ में एक बात और जोड़ूंगा, काफ़ी देर पहले हमने रिक्वेस्ट थी कि सुचेतगढ़ का जो बॉर्डर है हमारा, तो जैसे बाघा बॉर्डर है उसी पैटर्न पे वहाँ भी हलचल होनी चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए। उस डिमांड को भी हमारी मान के उन्होंने वहाँ पे भी बाघा बॉर्डर की तर्ज पे, वो पाकिस्तान करे ना करे, हमारी इस साइड में बराबर फंक्शन जो है उसी तरह से होता है। उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर साहब का। यही आज का मेन मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और अपनी समस्त महाजन बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जो डिमांड थी वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वो पूरी की है। और आने वाले समय में आपने भी इसी तरह ख्याल रखना है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों का ख्याल रखती है, और आपने भी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का ख्याल रखना है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी किसी भी इंसान को कोई निराशा हाथ नहीं लगने देते हैं, और ना ही अमित शाह जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का, और समस्त जितनी हमारी लीडरशिप है, चाहे उसमें लोकल लीडरशिप है या सेंटर की है, ये सभी का एक प्रयास से, बात से ये जो मसला हल हुआ है, उसके लिए मैं सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।